बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, लिपिड्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन चल रही थी, जिसमें हमने लिपिड्स की पहली क्लास कल डिस्कस की थी, जो कि एसाइल ग्लाइसरॉल थी, जिसको फैट्स भी कहते थे। एसाइल ग्लाइसरॉल का कल हमने डिटेल डिस्कशन किया। आज हम उसकी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वैक्सेस। वैक्सेस जैसा कि हम उसको आम जुबान में मोम कहते हैं। अगर हमने वैक्सेस को देखना हो तो मोमबत्ती के अंदर जो वैक्स होता है, मोम, वो भी वैक्स है। लेकिन हम अमूमन इसको जो है लिपिड नहीं समझते, लेकिन हकीकत में क्या है, ये लिपिड है। लिपिड की एक ग्रुप है, लिपिड की क्लास है वैक्सेस। वैक्सेस को अगर हम डिस्कस करें तो वैक्सेस बेसिकली मिक्सचर होते हैं। वैक्सेस क्या है? मिक्सचर है। इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये कंपाउंड नहीं है वैक्स। वैक्स मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर है। किस किस चीज़ का मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्गेन्स। पहली चीज क्या है इसमें? लॉन्ग चेन अल्केन। यहां पर मैं नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। लॉन्ग चेन अल्केन। अल्केन यहां पे लफ्ज जो कल हमने देखा था, आपको यहां पे अल्केन थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो यहां पे हम देखें कार्बन की लॉन्ग चेन। बस सिंपली कार्बन किस शक्ल में होगा? लॉन्ग चेन। ये अल्केन, लॉन्ग चेन अल्केन विद ऑड नंबर, ऑफ कार्बन। कार्बन की तादाद, कल हमने जो एसाइल ग्लाइसरॉल था फैटी एसिड, उसमें इवन नंबर था। यहां पे वैक्सेस में कार्बन ऑड नंबर में, इसकी तादाद 25 से 35 तक होगी। यानी कार्बन कम से कम इसमें 25 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 35 होते हैं। और ये लॉन्ग चेन अल्केन जो होगा, कार्बन किस नंबर में होगा? ऑड नंबर में, 25, 27, 29, 31, 33 और 35। एक चीज इसमें हो गई अल्केन। दूसरी चीज अल्कोहल्स इस मिक्सचर में। दूसरी चीज क्या होगी? अल्कोहल्स। तीसरी चीज इसमें कीटोन्स। कितनी चीजें होगी? तीन मिक्सचर में। और चौथी चीज होगी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। यानी यहां वैक्स कितनी चीजों का मिक्सचर है? चार चीजों का। किस किस का? लॉन्ग चेन अल्केन। अल्केन में कार्बन किस हालत में होगा? ऑड नंबर में, 25 से 35। दूसरी चीज इसमें क्या मिक्स होगी? अल्कोहल्स। तीसरी चीज इसमें क्या होगी? कीटोन्स। चौथी चीज इसमें फैटी एसिड होगी, फैटी एसिड की ईस्टर होगी। ठीक है, ये चार चीजों का जो मिक्सचर है, इसको मिक्सचर को वैक्स कहते हैं। इस मिक्सचर को वैक्स कहते हैं, चूंकि ये मिक्सचर है लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन, तो आप, मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि मिक्सचर जो है प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। मिक्सचर एनिमल और प्लांट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंस। पहले हम बात कर लेते हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर आप फ्रूट्स को देखें, जैसे एप्पल है, सेब, सेब का जो छिलका होता है जिसको हम कवर कह सकते हैं, इसके अंदर आप गौर करें क्या नजर आ रही होती है, शाइनिंग नजर आ रही होती है। वो शाइनिंग किसकी वजह से होती है, उस कवर और छिलके में क्या पाया जा रहा है, वैक्स पाया जा रहा है, जो उस एप्पल के जूस को बाहर भी जाने नहीं देगा, यानी उसको अंदर से क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। इस वैक्स की वजह से ये जूस क्या बाहर उड़ेगा, जूस का जो पानी है, जूस में पानी तो होगा, तो वो पानी जो है वाटर लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो फ्रूट्स के अंदर का जो जूस है वो काफ़ी अरसे तक मेंटेन रहता है। एक बात, दूसरा, अगर आप प्लांट्स के लीव्स को देखें, लीव्स के अंदर भी शाइनिंग होती है, पत्ते के अंदर चमक होती है, और लीव्स के अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये क्यूटिकल लेयर पत्ते के अंदर किसको बचाता है, वाटर लॉस को बचाता है, यानी पत्ते में ट्रांसपायरेशन को कम करता है, रोकता है, पत्ते में पानी के उड़ने को रोकता है, जिससे पत्ते के अंदर वाटर लॉस कम से कम हो जाता है। अगली बात, प्लांट के अंदर ही ये जो कवर्स होते हैं, छिलके होते हैं, उससे प्लांट के अंदर जो फ्रूट होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। क्या होने से, यानी फ्रूट जब आते हैं मनु के हिसाब से पेटियों में मुख्तलिफ का उसकी पैकिंग होती है, उसके अंदर फिर ट्रकों पे लोड होके आते हैं, तो वहाँ रगड़ लगती है, जिस रगड़ से ये जो वैक्स होता है, ये कवर जो है इन फ्रूट्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत से फायदे हैं प्लांट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। प्लांट्स में दोबारा बता देता हूँ कि फ्रूट्स के अंदर जो कवर होते हैं उनके अंदर शाइनिंग नज़र आ रही होती है, वो बेसिकली वैक्स की वजह से शाइनिंग नज़र आ रही होती है, और वो वैक्स जो है वो उनको डैमेज होने से, फ्रूट को डैमेज होने से भी बचाती है, और फ्रूट के अंदर जो जूस होता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसको बाहर निकलने से रोकती है, जिससे फ्रूट के अंदर जूस काफ़ी अरसे तक मेंटेन रहता है। और इसके साथ लीव्स के अंदर भी वैक्स पाई जाती है, लीव्स में क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, जो कि क्यूटिन, क्यूटिकल लफ्ज़ कहाँ से निकला, क्यूटिन से, क्यूटिन एक वैक्स का नाम है, और उस लेयर, उस वैक्स को क्यूटिकल, उस लेयर को क्यूटिकल लेयर कहते हैं, किसकी वजह से, क्यूटिन की वजह से। तो ये क्यूटिन जो है वैक्स, उसको पत्ते के अंदर से पानी जो उड़ता है वो उसको रोकता है, जिससे पत्ते में वाटर लॉस मिनिमाइज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो जैसे प्लांट्स के अंदर वैक्सेस बहुत फायदेमंद होते हैं, इसी तरह एनिमल के अंदर भी वैक्सेस बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसा कि अभी हम देखते हैं। एनिमल्स में पहले भी हम ये बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इंसेक्ट्स में कवर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ये किसका बना होता है, वैक्स का, ये वैक्सी होता है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसके एक फंक्शन तो ये है कि ये इंसेक्ट्स में किसका काम करता है, कवर का, यानी इनकी बॉडी को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन, यानी ये इसकी बॉडी में क्या काम करता है, स्केलेटन। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये इंसेक्ट्स की बॉडी से वाटर लॉस को कम से कम कर देता है, तो इस तरह ये इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, तो बर्ड्स में भी
ये स्किन के अंदर वैक्स पाई जाती है जिससे बर्ड्स में भी ये वाटर लॉस कम से कम हो जाता है। क्योंकि बर्ड हवा में उड़ने वाला परिंदा है तो उसको पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, हवा में पानी तो उसको नहीं मिल सकता, लैंड पर उसको ना मिले, ऐसी जगह पर उड़ान कर रहा है, सहरा है, पानी नहीं है, तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स तो इनकी स्किन में भी वैक्स पाई जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी से पानी का लॉस नहीं होता। इसलिए ये इंसेक्ट्स, ये बर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स ऐसी जगहों पर रहने के काबिल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर काबिल हो चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, वेयर देयर इज सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की शदीद कमी होती है। ठीक है, तो ये बच्चों वैक्स की डेफिनेशन विद इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा वैक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।